हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का यूज दिखाने वाला हूँ। प्रॉपर क्लच का यूज किस तरह से हम ट्रैफिक में करते हैं, सिटी ट्रैफिक में जब हम ड्राइव करते हैं क्लच का यूज सबसे ज्यादा होता है। स्पेशली जब आप थोड़े ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं या सिग्नल ट्रैफिक होता है। सिटी ट्रैफिक में ऐसा होता है कि बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ता है और क्लच का यूसेज ज्यादा आता है इसी चक्कर में। और कभी ऐसा होता है कि बहुत बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक आ जाता है तो आपको फर्स्ट गियर में ही क्लच का यूसेज लेना पड़ता है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली क्लच के यूसेज के बारे में होने वाली है फ्रेंड्स। क्लच का यूसेज किस तरह से हम करेंगे सिटी ट्रैफिक में और कैसे हम कंट्रोल करेंगे अपनी कार को, आप अभी पूरा फंक्शनिंग देख सकते हैं मेरा स्टेयरिंग का, क्लच का, ब्रेक, एक्सीलेटर का, किस तरह से मैं कंट्रोल करने वाला हूँ। तो अभी आप देखिए, मैंने थर्ड गियर लगा लिया था और मेरे पास आगे स्पेस नहीं था तो हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्लच का आइडिया लग जाएगा आपको किस तरह से यूज करना है ओपन स्पेस में ड्राइव करते समय या फिर ट्रैफिक में जब हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी ड्राइविंग से रिलेटेड। अभी सिग्नल ग्रीन है, हम आगे बढ़ा रहे हैं और मैंने जो गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा मेरे को, और ये कार देखिए लेफ्ट की तरफ आने लगी, इनका रियर व्यू मिरर भी बंद था तो इसलिए मेरे को देखते हुए कार को स्टॉप रखना पड़ा, स्लो रखनी पड़ी अपनी कार। अगर ये एकदम से लेफ्ट आते तो मेरे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती थी या सडन ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ती। अभी मैं सेकेंड गियर अप्लाई कर लिया हूँ क्लच प्रेस करके। तो क्लच का यूसेज आप देखिए, नोटिस करिएगा फ्रेंड्स, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां वहां क्लच में यूज करूंगा। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखेगा कि किस तरह से मैंने अपनी ड्राइविंग का जी किस तरह से मैं मिनिमम क्लच का यूज ले सकता हूँ और ट्रैफिक में भी, इनफैक्ट मैं स्लो मूविंग ट्रैफिक में सही तरीके से क्लच का यूसेज कैसा होना चाहिए। अभी देखिए मेरे पास स्पेस उतनी नहीं है, मैं सेकेंड गियर में ही हूँ, हल्का सा पुल करूंगा फिर हो सकता है स्लो डाउन करना पड़े तो एक्सीलेटर को रिलीज कर दूंगा। देखिए मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी तो स्लोली मूव किया मैंने, अब फर्स्ट गियर अप्लाई करना पड़ेगा, क्लच प्रेस्ड है मेरा, फर्स्ट गियर अप्लाई किया मैंने और धीरे से कार को मूव किया। यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन में है तो प्रॉब्लम हुई, जैसे कि आगे स्लो मूविंग हो गया था तो उस वजह से मुझे कंट्रोल करते हुए अपनी कार को आगे बढ़ाना पड़ा। इस वजह से क्या होता है कि जैम हो जाता है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड होती है। तो अभी देखिए लेफ्ट साइड में पूरा मार्केट है और अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है और यहाँ पे मैंने डिपर दिया था बस को, जैसे ही डिपर दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में कार पार्क थी, डिपर दिया, सामने से बस आ रही थी तो उसने स्टॉप किया ताकि मैं निकल सकूं, नहीं तो अगर मैं बीच में रहता तो वो बस भी निकल नहीं पाती। तो ये देखते हुए हमें कार को मूव करना होता है आगे सिचुएशन को। अभी देखिए लेफ्ट से साइकिल चल रही है तो हमें इसका ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है, लेकिन जब हमें क्लच प्रेस करना होगा या स्लो करनी होगी कार, ये देखिए मेरे राइट साइड से एक बाइक आ रही थी तो मेरे को कंप्लीट लेफ्ट जाना पड़ा ताकि उसके लिए स्पेस रहे, उन्होंने स्टॉप कर लिया लगभग ऑलमोस्ट मेरे पीछे ही है। अभी देखिए क्लच का मिनिमम यूज है, मैं सेकंड गियर में हूँ, क्लच का यूज नहीं रहा, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, एक्सीलेटर रिलीज कर रहा हूँ। ये देखिए आगे ये जो ट्रक चल रहा है, मिनी ट्रक, ये ब्रेक अप्लाई कर चुका है। अब देखिए मेरे को हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, यहाँ पे भी मैंने क्लच का यूज नहीं लिया। मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं इस जगह में, हमेशा आप क्लच प्रेस कर देते हैं, ब्रेक अप्लाई करनी पड़े या जो भी करना पड़े क्लच पहले प्रेस कर देते हैं, जो कि इनिशियली, ये देखिए अभी मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को दिख रहा था ट्रैफिक स्टॉप था, सेकेंड ईयर में था मैं, क्लच प्रेस करते हुए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। क्लच मोस्ट ऑफ द टाइम तब प्रेस करना पड़ता है। अभी देखिए जैम सिचुएशन हो चुका है, हर तरफ से टू व्हीलर्स आ रहे हैं, सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है तो इस सिचुएशन में क्या होता है आपने नोटिस किया होगा, अभी मैंने क्लच प्रेस किया, रिलीज किया, फिर प्रेस किया, फिर रिलीज किया, यहाँ देखिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि ये सारे लेफ्ट साइड से मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरे को जजमेंट लेते हुए कार को निकालना है, सामने से ट्रैफिक भी आ रहा है उसका भी ध्यान देना है, अगर कुछ आता है तो मैं फंस जाऊंगा, इनफैक्ट उनको भी ब्लॉक कर दूंगा, उनका वे भी ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी लेन में बना रहना चाहता हूँ जिससे कि हमें भी स्पेस मिले और सामने जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी परेशानी ना हो। तो ये चीज का सेंस होना बहुत जरूरी है और इम्पेशेंस होके ड्राइविंग करना गलत होता है अनटिल अनलेस आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो। अभी देखिए क्लच का यूसेज मेरा, मैं रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो ट्रैफिक मूव हो रहा है वो बहुत स्लोली हो रहा है। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसी तरह से हम कंट्रोल करते हैं अपनी कार को, हमें कभी भी कार स्लोली मूव करनी होती है। तो जो मैंने अभी सिचुएशन दिखाई थी आपको क्लच प्रेस करना और रिलीज करना, उसी तरह से हम क्या है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या सिटी ट्रैफिक बहुत ज्यादा डेंस ट्रैफिक होता है या फिर आप कह सकते हैं सिग्नल का जो ट्रैफिक होता है स्लो मूव होती है कार्स या स्लो मूविंग होता है ट्रैफिक, तो उसमें हमें
इसी तरह से कंट्रोल करना होता है, क्लच को रिलीज करते हैं फिर से प्रेस करते हैं। अभी देखिए आगे जो साइकिल चल रही है बहुत स्लो मूविंग है, अभी मैंने क्लच कम्प्लीटली रिलीज कर दिया है, अप्रोक्स 10 की स्पीड में है मेरी कार, 10 भी पूरी नहीं है। देखिए अंकल चल रहे हैं तो मेरे को स्टॉप करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्पेस नहीं है मेरे, मेरे को राइट जाना पड़ेगा और राइट साइड से क्या ट्रैफिक आ रहा था। अब मैं स्पेस है मेरे पास तो मैं ओवरटेक लेने की कोशिश करूंगा यहाँ से, ओवरटेक लेते हुए और यहाँ पे वापस से इनके लिए जो स्पेस है वो क्रिएट रखी है मैंने। ये कार यहाँ से टर्न ले रही है क्योंकि रॉन्ग वे है, तो अभी सिचुएशन देखिए आपने, मैंने क्लच का यूसेज कब कब लिया, कहाँ कहाँ लिया, और हल्का सा भी मूवमेंट मेरे को लगेगा कि मेरे कंट्रोल करनी है मेरे को कार, तो मैं ब्रेकिंग अप्लाई करूंगा फिर क्लच का यूज लूंगा। यहाँ देखिए पैनिक सिचुएशन राइज हो गई थी, लेफ्ट साइड से साइकिल एकदम मिडल ऑफ द रोड आ रही थी, तो मैंने हॉर्न लगाया ताकि वो अपनी स्पेस में वापस चल जाए, नहीं तो चांसेस हो जाएगा कि मैं इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़े मेरे को और हिट होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि लापरवाही किसी से भी हो सकती है, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे को स्लोली मूव करना पड़ रहा है, मैं थर्ड गियर में हूँ, अप्रोक्स 30 की स्पीड है, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ फिर रिलीज कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ये देखिए कम ऑलमोस्ट स्टॉप हुआ आगे से ट्रैफिक, वापस मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। अब स्लो डाउन करके फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने क्योंकि कम्प्लीट ऑलमोस्ट स्टॉप है, मेरी कार ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुकी है, तो ये देखिए मेरे को क्या कैसे अब यहाँ पे बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ सिचुएशन अगर अराइज होती है तो मेरे को किस तरह से मूव करनी है अपनी कार। ये देखिए आगे स्लो मूविंग है, मैंने क्लच को रिलीज कर दिया कम्प्लीटली, मूविंग स्लो है। अब आगे थोड़ा सा स्पेस होता है तो मैं सेकंड गियर लगाता, लेकिन स्पेस नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ा, क्लच ब्रेक दोनों साथ में प्रेस किया मैंने, आप नोटिस किए होंगे फुट मूवमेंट। ये देखिए यहाँ पे भी वही सिचुएशन हो रहा है, हल्का सा क्लच रिलीज कर रहा हूँ, आगे मूवमेंट आ रही है तो क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ रही है तो क्लच भी प्रेस कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपका क्लच यूसेज बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब हम ड्राइव करते हैं जैसे ऐसी कंडीशन में जहाँ पे यू नो ट्रैफिक होता है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोल सकते हैं या सिटी का जो डेंस ट्रैफिक हो जाता है, सिग्नल वाला ट्रैफिक होता है, वहां पे हमारा मूवमेंट इसी तरह से होता है, क्लच को प्रेस करते हैं फिर रिलीज करते हैं। अभी सेकंड गियर लगा लिया मैंने क्योंकि आगे देखिए मूवमेंट हो गया था, स्पेस क्रिएट हो गई थी आगे वाली व्हीकल और मेरी व्हीकल में, तो अभी देखिए किस तरह से मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फिर से फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि आगे जो ट्रैफिक मूव हो रहा है बहुत स्लो मूविंग में है, और स्लोली मूव करते हुए मैं आगे बढ़ा लूंगा। ये देखिए ये मैंने को आगे स्पेस देखते हुए अपनी कार को मूव करना है, क्लच प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई की, फिर से रिलीज किया, थोड़ी सी आगे मूव हुई, फिर से क्लच प्रेस, ब्रेक अप्लाई, फिर से देखिए वापस से क्लच प्रेस, ब्रेक अप्लाई, आगे वाला ट्रैफिक मूव हो रहा है, ये देखिए क्लच रिलीज की फिर प्रेस किया ताकि मूवमेंट आया फिर कंट्रोल करना था, तो मेरी इंजन ऑफ ना हो जाए इसलिए मेरे को क्लच वापस से प्रेस करना पड़ जा रहा है। अभी देखिए क्लच कंप्लीटली रिलीज कर दिया क्योंकि स्पेस हो चुकी थी, अब आगे ये मूव कर रहेगा तो मेरे को सेकंड गियर अभी अप्लाई करना पड़ा और आगे मेरे को ट्रैफिक थोड़ा सा दिख रहा है क्योंकि सिग्नल का ट्रैफिक है और यहाँ पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक ऑपोजिट डायरेक्शन जो ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए भी स्पेस रखनी है, तो इसलिए क्या है कि स्लो मूविंग हो गया और थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है रोड, तो इसलिए हमें क्या करना है, हम कंट्रोल करते हुए अपनी कार को मूव करेंगे। इसमें क्लच का यूसेज ज्यादा आने वाला है और हमें क्लच का यूसेज करते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक जब हो जाता है तो किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं कार को अपनी। अभी यहाँ ओपन स्पेस मिल गया मेरे को और मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाया हूँ। अभी देखिए वापिस से कंडीशन आगे स्टॉप वाली हो गई, सिचुएशन वैसी अराइज हो गई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पीछे लगा दिया है, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अब एटलीस्ट वेट करूंगा 10 सेकंड या 15 सेकंड, अगर मूवमेंट हो गई तो बेस्ट है, नहीं तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए क्लच को रिलीज करने के लिए न्यूट्रल कर लिया, क्लच रिलीज कर लिया, इससे क्या होगा कि मेरे फुट में थोड़ा सा आराम रहेगा, थोड़ा सा यू नो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे को फुट में प्रेशर क्रिएट करके रखना है ताकि क्लच का। अभी देखिए कार अंदर की तरफ आएगी, ये मैंने दूर से देख लिया इसलिए मैं स्लो मूविंग कर रहा था, तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है हर चीज में, और अगर आप एकदम टेल गेटिंग करते हैं तो रिस्की भी हो जाता है। अभी देखिए मेरे को एकदम पास में चलाना पड़ रहा है जैसे इसके, तो मेरे को थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस से कोई भी कहीं से भी घुस जाएगा बीच में, तो मेरे को अलर्ट होके ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी यहाँ देखिए आगे सिचुएशन वापस वैसे ही, मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, सेकंड गियर में हूं मैं, फिर से ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि ये स्कूटी अंदर की तरफ आ रही थी मेरी तरफ, तो मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करके फिर से मूवमेंट करनी पड़ी, फिर से क्लच प्रेस किया,
ऐसी सिचुएशन में ही हमें क्लच का यूसेज बहुत ज्यादा आता है। इसलिए सिटी ट्रैफिक में क्या होता है, क्लच का यूसेज, जैसे मैंने आपको कहा, क्लच का यूसेज बहुत ज्यादा आता है और उसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करनी होती है। अभी देखिए आगे सिग्नल रेड है तो हमें स्लोली मूव करते हुए एक्सीलेटर मैंने रिलीज कर दिया, अभी क्लच बिल्कुल भी प्रेस नहीं किया है, ब्रेक अप्लाई की मैंने, ये देखिए कार ऑलमोस्ट स्टॉप होने वाली है, तब मैंने क्लच प्रेस किया और अब मैं फर्स्ट गियर लगा के वेट कर लूंगा, या सिग्नल में है तो हम न्यूट्रल कर लेंगे। क्लच को रिलीज कर दिया हमने, तो फ्रेंड सिग्नल ग्रीन हो गया है। अभी देखिए आगे मूवमेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है आगे 10 या 15 सेकंड में ही सारी मूवमेंट आ जाएगी कार या आगे वाली व्हीकल में। तो ये देखते हुए हमें आगे, ये देखिए आगे मूवमेंट, तो क्लच का यूसेज यहाँ पे आता है, धीरे से मूवमेंट करके फिर गियर शिफ्ट करना होता है तो वापस से क्लच प्रेस करना होता है। अगर ये आगे वाली कार और थोड़ी स्लो चलती तो या स्टॉप हो रही होती तो मेरे को फिर से कम्प्लीटली क्लच प्रेस करना पड़ता या ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। अभी मेरे के पास ओपन स्पेस हो गई है क्योंकि हम सिग्नल में सबसे पहले थे, तो अब मैं आगे निकल गया हूँ, आगे मेरे को नेक्स्ट जो सिग्नल मिलेगा उसमें ट्रैफिक मिल सकता है। तो अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कार को ताकि हम क्लच का यूसेज, ये देखिए क्लच का यूसेज मैंने फिर से अपशिफ्ट करने के लिए लगाया और अपनी कार को इजिली मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि क्लच का यूसेज बहुत जगह ऐसी जगह में हमें लेना पड़ता है जहाँ रिक्वायरमेंट, बहुत जगह ऐसी होती है कि रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो हमें क्लच प्रेस करना जरूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम ड्राइवर्स, मैंने न्यू ड्राइवर्स के साथ साथ ओल्ड जो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर को भी देखा है क्लच प्रेस करते हुए, जब जरूरत नहीं है तो भी क्लच प्रेस कर देते हैं वो। तो अगर आपसे ऐसी गलती हो रही है आप नोटिस करिए मैं जो फुट मूवमेंट कर रहा हूँ, परफेक्टली क्लच का यूसेज कैसे लेना चाहिए और किस तरह से अपनी कार को कंट्रोल करनी चाहिए। अभी आगे यहाँ से फ्लाईओवर जैसे ही उतरेंगे हो सकता है हमें जैम मिले, ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पे और वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये आप देख सकते हैं आगे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो हो सकता है हमें ट्रैफिक मिले और अकॉर्डिंगली हमें क्या क्लच का यूसेज उसी तरह से लेना पड़ता है जैसे हम नॉर्मल ट्रैफिक में, जैसे बहुत जरूरी होता है क्लच का यूसेज लेना क्योंकि आगे बढ़ानी है, कार स्टॉप करनी है, मैनुअल में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप न्यू ड्राइवर है, लर्नर है, तो आपको क्लच का कंट्रोल समझने में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पे स्लो मूविंग हो गया है, वापिस से मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है, सेकंड गियर अप्लाई किया मैंने और क्लच को धीरे से रिलीज किया ताकि आगे मूवमेंट जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग मूव करूं, क्योंकि मैंने जब ब्रेक अप्लाई की कार को स्लो डाउन किया आगे वाली कार के अकॉर्डिंग मेरे को, या बाइक थी जो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मूवमेंट रखनी थी अपनी कार में, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को क्या क्लच और ब्रेक का यूसेज लेते हुए कार को स्लो करना पड़ा, फिर डाउन शिफ्ट किया मैंने और अभी मूवमेंट कर रहा हूँ। आगे मेरे सामने बाइक है तो मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, स्पेस नहीं मिल रही है मेरे को, तो जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं आगे मूव करूंगा और अपनी कार को निकाल लूंगा। अभी देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, थोड़ी सी इंक्रीज करता हूँ स्पीड, आगे ऑलमोस्ट खाली सा सिचुएशन लग रहा है, लेफ्ट से हल्का सा ट्रैफिक मर्ज करते हुए और अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया था, 30+ की स्पीड है तो स्लोली मूव कर रहा हूँ। मेरा देखिए क्लच का यूसेज नहीं आ रहा है, सिर्फ मैंने जब गियर शिफ्टिंग की थी उस समय यूज हुआ था, उसके बाद अभी तक यूज नहीं किया है क्लच का मैंने, क्योंकि जब हम बंपर टू बंपर ट्रैफिक या थोड़ा सिटी ट्रैफिक में, कंट्रोल ट्रैफिक में चलते हैं तो उसमें हमें क्लच का यूसेज ज्यादा लेना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ क्लच का यूसेज हो सकता है, डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा सबसे पहले मेरे को, मैंने न्यूट्रल किया, सेकेंड गियर अप्लाई किया, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस है, थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ जाते हुए मैं कार निकालूंगा और स्पेस बना ली हमने, इसको लेफ्ट से ओवरटेक ले लिया मैंने, हॉर्न लगा चुका था मैं और हमारा मूवमेंट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी मैंने डाउन शिफ्ट किया था उस समय क्लच प्रेस किया, फिर अप शिफ्ट किया वापस से क्योंकि 40 के अराउंड की स्पीड है, थर्ड गियर था मेरी कार में और आगे बाइक चल रही है तो मेरे पास स्पेस नहीं बन रहा है और राइट साइड से जो है ट्रैफिक आ भी रहा है और आगे भी स्पेस देखते हुए मेरे को आगे बढ़ानी पड़ रही है कार को। वापिस से मैं लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट लेते हुए अपनी कार को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो बाइक चल रही थी उसके हिसाब से स्पेस नहीं थी। फिर मैंने अपशिफ्ट किया, अभी क्लच फिर से प्रेस करना पड़ा मेरे को और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप जितनी बार गियर शिफ्टिंग करेंगे उतनी बार क्लच प्रेस करना पड़ेगा और ट्रैफिक में क्या होता है अचानक से, अभी देखिए स्लो हो जाएगा ट्रैफिक, अभी मैं सेकंड थर्ड फोर्थ में आया तो मेरे को क्लच बार बार प्रेस करके अपशिफ्ट करना पड़ा। अभी देखिए कम्प्लीटली स्लो डाउन हुआ है ट्रैफिक तो मेरे को क्या करना पड़ा, वापस से अभी क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करने लगूंगा मैं, अभी यहाँ से टर्निंग है तो मेरे को क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये देखिए क्लच प्रेस करके मैंने सेकंड गियर अप्लाई किया, क्लच रिलीज किया और अपनी कार को मूव करने लगा हूं। अब इसी सिचुएशन में क्या होता है, अभी वापस से देखिए थोड़ी सी मूवमेंट आएगी
थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी होगी, तो वापस से मैंने क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर लगाया, तो बार बार ये देखिए अभी फिर से फोर्थ गियर लगाया क्योंकि 50 अप्रोक्स स्पीड आ गई है, 40 प्लस की स्पीड में अप्रोक्स मेरी कार है। तो अभी यहाँ देखिए, यहाँ मर्जिंग ट्रैफिक है, हो सकता है स्लो करना पड़े मेरे को, तो स्लो करना पड़ेगा तो मैं डाउन शिफ्ट करूंगा। ये देखिए स्लो, हल्की सी स्लो करनी पड़ी, मैं डाउन शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, फोर्थ गियर में अपनी कार को पुल कर ले रहा हूँ वापस से। तो सिचुएशन ऐसी होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे सिग्नल मेरे को दिख गया तो मैंने क्या किया, कंट्रोल की अपनी कार, स्लो डाउन किया, अभी क्लच प्रेस किया आप कितनी देर बाद, जब ब्रेकिंग अप्लाई की, स्लो डाउन हुई कार, फिर मैंने क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ, आगे हम चलेंगे, हो सकता है हमें अच्छा खासा ट्रैफिक मिले क्योंकि इस सिचुएशन में, इस जगह में ट्रैफिक थोड़ा हो जाता है। तो अभी हम आगे, कंडीशन ऐसी होगी कि क्लच का यूसेज हो सकता है ज्यादा मिले हमें वहां पे, तो मूवमेंट कर रहे हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी गियर शिफ्टिंग के लिए ही मेरा क्लच का यूसेज हुआ है, और आगे अगर कंडीशन मिलती है ट्रैफिक में, सिटी ट्रैफिक में, अगर स्लो मूविंग ट्रैफिक जिस तरह से अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसा अगर ट्रैफिक मिलता है तो हमें क्लच का यूसेज मिनिमम रहता है सिर्फ गियर शिफ्टिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे मेरे को हल्की सी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि लेफ्ट में कार थी, वापिस एक्सेलेटर प्रेस किया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ सिचुएशन देखिए, कंप्लीटली स्टॉप हो गया आगे ट्रैफिक, तो मैं क्या करूंगा, स्लो डाउन करूंगा, एक कार के पीछे लगा लूंगा। ये देखिए ये मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली, क्लच को रिलीज किया क्योंकि मैं न्यूट्रल कर चुका हूँ। ये बहुत जन मेरे से पूछते हैं कि आप क्लच को कैसे रिलीज कर दिए ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं न्यूट्रल कर चुका होता हूँ जब मेरी कार 10 की स्पीड में होती है, मैं फोर्थ या थर्ड गियर में हूँ या सेकंड गियर में हूँ, तो मैं न्यूट्रल कर चुका होता हूँ जब 10 की मतलब स्पीड जो मेरे कार की है 10 आ जाती है, तब मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपनी कार को, स्लो डाउन कर लेता हूँ। अभी देखिए मूवमेंट आ गया है, तो क्लच को रिलीज किया मैंने सेकंड गियर में और मूवमेंट अपनी कर रहा हूँ अपनी कार में। अभी सेकंड गियर में ही है मेरी कार, 30 प्लस की स्पीड आ गई है, ऑलमोस्ट 40 की स्पीड है, और मेरे को आगे सिचुएशन जैसी मिलेगी तो मैं इंक्रीज करूंगा अपने या स्पीड इंक्रीज या गियर शिफ्ट करूंगा। अभी देखिए वापिस से स्लो डाउन करना पड़ा मेरे को, तो मैं टर्निंग में हूँ, स्लो डाउन करना पड़ा, तो मैं सेकंड गियर में ही हूँ, मैं कंप्लीट स्टॉप जब तक नहीं होऊंगा क्लच प्रेस करके। ये देखिए क्लच का मूवमेंट ही नहीं आया मेरा अभी तक। तो ये सिचुएशन में क्या होता है, हमें गियर शिफ्टिंग करते समय ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें क्लच प्रेस करना होता है, और अगर क्लच गियर शिफ्ट की नीड नहीं है तो ये देखिए अभी शिफ्ट की नीड पड़ी, तो मैंने क्लच प्रेस करके गियर अप शिफ्ट किया। अगर शिफ्ट नहीं करना होता तो मेरे को क्लच भी प्रेस करने की नीड नहीं होती, सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर लेता। ये देखिए मेरे को आगे वाला ट्रैफिक स्लो होता दिखा, मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार जो है इजिली वहां तक पहुंची है, नहीं तो क्या होता, मैं एक्सीलेटर प्रेस करके रखता तो फिर आगे जाके मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ती, हो सकता है कि स्टॉप भी करना पड़ता, तब मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ जाता। अभी देखिए कंप्लीटली स्टॉप हो रहा है आगे का ट्रैफिक, तो मेरे को स्लो डाउन करते हुए अपनी कार को आगे, ये देखिए मैंने क्लच प्रेस किया, थर्ड गियर से सेकंड गियर लगाया, लेकिन कंप्लीट स्टॉप है तो वापस फर्स्ट गियर लगा लूंगा, मैंने क्लच प्रेस कर रखा है। अगर कुछ देर अगर ट्रैफिक ऐसा ही रहता तो मैं क्या करता, क्लच प्रेस करके नहीं रखता, क्लच को रिलीज करने के लिए न्यूट्रल कर देता अपनी कार को। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया 30 प्लस की स्पीड में, ये देखिए आगे कंप्लीट स्टॉप हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ा, थर्ड गियर से फर्स्ट गियर किया, क्लच प्रेस कर रखा है मैंने, और फर्स्ट गियर में मेरी कार और मूवमेंट कर रहा हूं मैं। अब सेकंड गियर स्लोली मूव करूंगा, जैसे ही मेरे को ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हुई, फिर से फर्स्ट गियर, क्योंकि ये स्लो मूविंग ट्रैफिक में ऐसे ही होता है। ये देखिए कि कार अंदर की तरफ आ रही थी तो मेरे को वापस से क्लच प्रेस करना पड़ा ताकि मैं कंट्रोल में रखूं, ब्रेकिंग भी करनी पड़ी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कार को मूव कर रहा हूं। अभी देखिए यहां से आगे जो मूवमेंट आ रहा है ट्रैफिक का, उसके अकॉर्डिंग अपनी कार को मूव करेंगे। अब ऐसा है सिचुएशन फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी एक्सप्रेसवे वाली कंडीशन में आ गए हैं, यहाँ पे देखिए क्लच का यूसेज बहुत मिनिमम होने वाला है, तो उसमें भी आप देखिए गियर शिफ्टिंग के लिए यूसेज होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम जहाँ ड्राइव कर रहे थे, आपने नोटिस किया होगा जब हम ट्रैफिक में आए थे तो हमें मतलब थोड़ी देर में क्लच यूज करना पड़ा था। अभी देखिए मैं थर्ड गियर में हूँ, क्लच की यूसेज नहीं आई, 30 प्लस की स्पीड है मेरी कार में अभी भी, क्योंकि लोएस्ट में भी जब तक पहुंचती है कार, मेरे को लगता है कि लोएस्ट है, थर्ड गियर का लोएस्ट है, वहां तक अगर मेरी कार पहुंचती है तब तक मुझे क्लच प्रेस करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसी से वापस मैं पिकअप ले सकता हूं। अगर यही और स्लो डाउन करना पड़ता तो मैं वापस से पिकअप नहीं लेता, मैं डाउन शिफ्ट करता। तो जैसे कि अभी आप देखिए आगे चल के सिचुएशन अगर वैसी अराइज होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी मैं थर्ड गियर में ही हूँ, 40 प्लस की स्पीड है मेरी कार में, 50 की स्पीड आ गई है, मैं थर्ड गियर में ही हूँ अभी भी, तो आगे चलेंगे, जैसे ही रिक्वायरमेंट लगी तो मैं अप शिफ्ट करूंगा।
अभी कंडीशन ऐसी है, आगे वाला ट्रैफिक स्लो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच प्रेस नहीं करने की नीड पड़ रही है, बट एक्सीलेटर रिलीज कर दे रहा हूँ ताकि मेरी कार जो है आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग स्लो डाउन हो जाए। अभी वही चीज है, मैं भी वही कर रहा हूँ। अभी 50 की स्पीड अप्रोक्स है मेरे कार में और आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं मूव कर रहा हूँ। मेरी कार जो है थर्ड गियर में ही चल रही है अभी भी। देखिए आगे स्लो मूविंग ट्रैफिक है, मेरे को दूर से ही दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अपशिफ्ट करने की नीड नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो अभी अपशिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। अपशिफ्ट करूंगा फिर हो सकता है आगे जाके स्पीड डाउन करनी पड़े, तो स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को आगे की कंडीशन, आगे का ट्रैफिक का कंडीशन देखते हुए मूवमेंट करना है। अब मैं अगर ओवरटेक लेता हूँ लेफ्ट साइड से, आगे जो ट्रक चल रहा है सारी गाड़ियाँ उसको ऑलमोस्ट ओवरटेक ले रही है, मेरे पास लेफ्ट में स्पेस होगी तो मैं ओवरटेक लेने की सिचुएशन में आ जाऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, अपशिफ्ट करने लगूंगा। लेकिन आगे देखिए स्लो हो गया और मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। मैं अभी भी थर्ड गियर में ही हूँ, ना फोर्थ किया ना अबव किया मैंने, तो सिचुएशन है कि आगे स्लो मूविंग ही ट्रैफिक है। मैं 50 के अराउंड स्पीड में हूँ, तो मैं थर्ड गियर से या फोर्थ गियर में ही रख सकता हूँ इस स्पीड में, तो मैंने वही किया, अभी थर्ड गियर में ही रखा हुआ है। अब अगर आगे स्पेस मिलेगी और मेरे को थोड़ा सा पुल करना पड़ेगा, तब मैं फोर्थ गियर अप्लाई करूंगा, नहीं तो मैं थर्ड गियर में ही आराम से अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि थर्ड गियर में एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, थर्ड गियर का हाईएस्ट स्पीड तक जा रही है मेरी कार, फिर थोड़ा सा रिलीज कर दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड ही नहीं पड़ रही है। नहीं तो इस सिचुएशन में अगर मैं बार बार गियर अपशिफ्ट करूंगा तो मेरे को हो सकता है आगे जाके डाउनशिफ्ट भी करना पड़े। तो जब तक रिक्वायरमेंट नहीं लगती है और आप मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड में है उसी गियर के, तो आपको जरूरत नहीं है क्लच प्रेस करने की या गियर अपशिफ्ट करने की। अभी मेरे पास आगे देखिए रनिंग ट्रैफिक जो है 40-50 के अराउंड का स्पीड है इसमें, तो मेरे को उसी के अकॉर्डिंग स्पीड अपनी भी रखनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लच प्रेस करके अपशिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए अब मैं अपशिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लेफ्ट में अगर स्पेस मिलती है तो मैं इसको ओवरटेक ले पाऊंगा। ये देखिए अभी मैंने इसको ओवरटेक ले लिया है, मेरी कार 60+ में आ गई है, मैंने फोर्थ गियर अप्लाई कर दिया था। अभी देखिए आगे वाली ट्रैफिक स्लो हो रहा है, ब्रेकिंग लग रही है, क्योंकि लेफ्ट राइट थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक में, लेफ्ट से आ रही है कार इस तरफ, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा स्लो डाउन किया। फोर्थ गियर में ही हूँ अभी मैं, 50 की स्पीड है, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है जिस स्पीड में उस पर्टिकुलर गियर में, मैं उसी में चल रहा हूँ अभी। अभी रिक्वायरमेंट हुई, अगर आगे और स्पेस मेरे को क्लियर मिलता है तो मैं फिफ्थ गियर लगाऊंगा, नहीं तो मैं फोर्थ गियर में ही आराम से मूवमेंट कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स ये देखिए आगे जो ट्रक चल रहा है उसके हिसाब से हमें स्लोली मूव करना पड़ रहा है, तो आगे जरूरत होगी तो मैं आगे मूवमेंट और अपनी थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करूंगा। ये लेफ्ट में मैं अपने इंडिकेटर लगाते हुए थोड़ी सी मूवमेंट किया हूँ लेफ्ट की तरफ, और आगे की कार मूव हो जाएगी तब हम ओवरटेक लेंगे लेफ्ट से इसको। ये मैंने ओवरटेक ले लिया है, अब हम फोर्थ गियर में ही है, पुल कर लेते हैं थोड़ा सा। 70+ की स्पीड आ गई है मेरे कार में, तो मेरे को अभी भी, मैं क्रूज कर रहा हूँ 70+ की स्पीड में, मेरे को अभी भी अपशिफ्ट करने की नीड नहीं पड़ी, जो कि फिफ्थ गियर में मैं चाहता तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको कहा, अगर ओपन स्पेस होता तो मैं फिफ्थ गियर करके आराम से मूवमेंट करता रहता अपनी कार में, अगर ओपन स्पेस होता तो। लेकिन यहाँ पे मेरे को हो सकता है आगे चल के स्लो डाउन करना पड़े, मेरे को पता था, तो फिर क्या होता है, मेरे को और फिर डाउन शिफ्ट करना पड़ता, फोर्थ गियर में करना पड़ता वापिस से, या थर्ड गियर करना पड़ता स्पीड के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए वापिस से मेरी कार 40 की स्पीड में आ गई है अप्रोक्स, तो यहाँ पे मेरे को हो सकता है थर्ड गियर लगाना पड़े। तो इसी तरह से क्या है फ्रेंड्स, क्लच का यूसेज लेते हैं हम अगर ट्रैफिक में होते हैं और हाईवे में या एक्सप्रेस वे में होते हैं। तो अभी आपने नोटिस किया किस तरह से हम एक्सप्रेस या हाईवे में किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, क्लच के यूसेज में किस तरह से हमें शिफ्टमेंट करना चाहिए, गियर शिफ्टिंग करना चाहिए, या ट्रैफिक में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए। आई होप ये वीडियो में आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा किस तरह से हमारा मूवमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।